हेलो फ्रेंड्स, सो अब एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं तो अब आज मैं एक टॉपिक ले रही हूँ जो कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ पड़ता है। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कोर्स में FIBCOM के 3 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उनमें से आज हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिवली काफ़ी ईजी है, और या फिर कहिए मैंने इसको थोड़ा 3 फॉर्मूले में डिवाइड कर दिया है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। 3 कौन से फॉर्मूले हैं? PX = A, इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी व्हेन X = A। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा जो आपको ढूंढना है। = e^-m, m^a अपॉन a फैक्टोरियल। यहाँ पर फैक्टोरियल का मतलब आपको मालूम होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। a फैक्टोरियल का मतलब होता है ए से छोटे जितने भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो जहाँ तक 1 ना आ जाए। जैसे कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सो उसी तरह से ये वही वाला फैक्टोरियल है जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। और एम क्या है? एम मीन है। मीन इसकी वैल्यू होती है n × p, वेयर n इज़ द टोटल नंबर एंड पी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। और इसका दूसरा वर्जन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। इसमें हम मीन निकालते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, पर ज़्यादातर केसेस में m दिया होता है। किस फॉर्मेट में? e^-m। तो क्वेश्चन में ये m दिया होगा एज अ गिवन थिंग, तो आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला, चाहे आपको याद हो चाहे ना हो, आपके पास m है। तो पहला फॉर्मूला है x = a है तो ये फॉर्मूला लगेगा। यही फॉर्मूला एग्जीक्यूटेबल है, मतलब इसी से आंसर आता है। तो चाहे फॉर्मूला कोई सा और हो, हमें उसको इस इक्वल टू फॉर्मेट में चेंज करना है। अब आगे देखिए सेकंड फॉर्मूला। अगर px < =a निकालना है तो कैसे पढ़ेंगे इसे? <= मतलब x छोटा है a से, तो प्रोबेबिलिटी निकालिए वो सब वैल्यूज़ की जो a से छोटी हैं। तो उसकी वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ x = a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = a-1 एंड सो ऑन टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 प्लस x = 0। यहाँ पर मीनिंग क्या है इसका? अब लेस देन के लिए एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमने फॉर्मूले को कन्वर्ट किया इन द अबव फॉर्मूला। और कैसे किया? लेस देन a का मतलब है a से छोटे जितने भी नंबर्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी प्लस करनी है। पर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ लेस देन इक्वल टू है, उसी का दूसरा पार्ट है। अगर लेस देन a है तो आप a-1 से शुरू करेंगे, तब a नहीं आएगा। ध्यान रखिए इक्वल टू a है तो इक्वल टू से शुरू करेंगे, a से शुरू करेंगे, और लेस देन है तो उसके नेक्स्ट नंबर से शुरू करेंगे। जब एग्जाम्पल आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला है जिसमें पूछा probability of x > a। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन a का मतलब x a से बड़ा है, तब क्या करेंगे? अगर x a से बड़ा है तो अब हमारे पास ग्रेटर देन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम स्टेप वाइज चलेंगे। पहले इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे लेस देन a में, फिर उसके बाद इक्वल टू में। तो देखिए कैसे किया, ग्रेटर देन a है तो इसको बनाएंगे 1 − x < =a। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x > a हमने अभी ऊपर निकाली, पर यहाँ पर नोटिस करिए x > a है तो यहाँ <= आया। अगर यहाँ greater than a है तो यहाँ less than a आया। देखिए एक ही जगह इक्वल टू लगेगा, अगर यहाँ दिया है तो वन माइनस करते समय इक्वल टू नहीं लगेगा, और अगर यहाँ पे इक्वल टू दिया है नहीं दिया है तो यहाँ पर लगेगा। अब देखिए ये फॉर्मूला ऊपर से लिया हमने, 1 − ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, तो वैल्यू मतलब काफ़ी सारी टर्म्स आएंगी, तो 1 − अब लेस देन ए है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ए से शुरू करेंगे और ए से 0 तक जितनी वैल्यूज़ हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी प्लस करेंगे उसी तरह से, और फिर बाद में 1 से माइनस करेंगे।
इसी का सेकेंड पार्ट, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो हम 1 माइनस x लेस देन a करेंगे। अब यहाँ लेस देन a है तो हम a माइनस 1 से शुरू करेंगे और सारी प्रोबेबिलिटीज जो कि a माइनस 1 से 0 तक है उन सबको प्लस करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या स्टेप्स हैं जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या स्टेप हमको फॉलो करने हैं जो कि काम आएंगे फॉर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले चेक करिए ई रेस टू पावर एम है क्या, जाइए उस पर और देखिए टर्म चाहिए क्या। अगर वो टर्म दी है तो ये प्रोबेबिलिटी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। जहाँ जैसे ही ये टर्म मिलती है आप लिख दीजिए m इक्वल्स टू एन पी और उसकी वैल्यू, फिर उसके बाद जाइए क्वेश्चन पर और कन्वर्ट करिए उसको मैथमेटिकली। जैसे अगर क्वेश्चन लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ओनली 2, तो x ओनली 2 लिखा होगा उसका मैथमेटिकल वर्जन हो जाएगा प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 2। तो ऐसे क्वेश्चन को मैथमेटिकली कन्वर्ट करिए। अगर दिया हुआ है मैथमेटिकली तो बहुत अच्छा है, आपका एडवांटेज है, बट अगर नहीं दिया तो पहले हमें उसे कन्वर्ट करना है। फिर अप्लाई एनी वन ऑफ द 3C फॉर्मूलाज जो कि एप्लीकेबल है, जो भी एप्लीकेबल है वो अप्लाई करना है। अब उसके बाद कैलकुलेट करिए आंसर बाय सॉल्विंग द फॉर्मूला। तो चलिए हम अब एक क्वेश्चन लेते हैं, बिना क्वेश्चन के समझ नहीं आएगा। देखिए कैलकुलेट करना है हमें ये वैल्यू। इट इज ऑब्जर्व दैट 3% ऑफ एप्पल्स इन अ कंसाइनमेंट आर बैड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ कंसाइनमेंट ऑफ 200 एप्पल्स द नंबर ऑफ बैड एप्पल्स इज लेस देन 2, ओनली 3, at least 3, given that e raised to power minus 6 is equals to 0.0025. अब क्या हुआ, कैसे हमने जाना कि ये पॉइजन का सवाल है? देखिए यहाँ पर e raised to power minus 6 दिया है तो इसका मतलब ये पॉइजन का ही सवाल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, m पर जाना था, तो हम m पर गए। m की वैल्यू n into p equals to, हम लिख देंगे क्या वैल्यू है इसकी, 6, तो हमने 6 लिख दिया, माइनस नहीं लिखना है, माइनस वैल्यू नहीं है, 6 वैल्यू है। और उसको दूसरी तरीके से अगर मैं बताऊं तो n into p में n क्या है, n है 200, देखिए यहाँ 200 एप्पल्स दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी व्हेन द एप्पल्स आर 200 एंड प्रोबेबिलिटी दी हुई है 3%। जब भी परसेंटेज आती है प्रोबेबिलिटी को हम r अपॉन 100 लिख देते हैं, तो यहाँ पर n अपॉन 100, 3 अपॉन 100 लिख दिया, सॉल्व किया तो 6 ही आता है। पर अगर आप ये ना कर पाए तो भी आप ये तो लिख ही सकते हैं कि हमें मीन क्या मिला। अब चलिए मैथमेटिकली स्टेप टू क्या है, स्टेप टू है गो टू द क्वेश्चन एंड कन्वर्ट इट मैथमेटिकली। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन द of the number of bad apples when it is less than 2. तो less than 2 को convert करके कैसे लिख सकते हैं, probability x less than 2, तो मतलब x जो है वो 2 से छोटा है। तो formula क्या होता है, देखिए x less than 2, x less than 2, तो एक ही जगह आया 2, तो 2 से छोटे 0 तक कौन कौन से numbers हैं, 0, 1 and 2, पर यहाँ पर इक्वल टू नहीं है इसलिए 2 नहीं आएगा, तो ओनली 1 एंड 0। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। अब इक्वल्स टू का फॉर्मूला लगेगा, इक्वल्स टू का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 मतलब e रेज टू पावर माइनस m, m रेज टू पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है e रेज टू पावर माइनस 6 जो कि m था, 6 रेज टू पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस, अब 0 के लिए भी वैसे ही e रेज टू पावर माइनस x, 6 रेज टू पावर e रेज टू पावर माइनस m, m रेज टू पावर 0, 0 एंड अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 क्यों आया, क्योंकि a 0 है। अब हम वैल्यू लिखेंगे जो e रेज टू पावर माइनस 6 की है, दैट इज 0.0025 इंटू 6 रेज टू पावर 1 इज 6, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 0.0025 एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, ये हमें पता है।
तो 6 raised to power 0 इज इक्वल टू 1 हो गया, अपॉन 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ये भी हम जानते हैं, तो टोटल 0.0025 आ गया। दोनों को ऐड करा, ऐड करने पर हमें हमें जो आंसर मिला वो है 0.0775, ठीक है, 0.0175। अब दूसरा क्वेश्चन है ओनली 3, तो ओनली 3 का मतलब px = 3, x इक्वल्स टू 3 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ देखिए px = 3, तो e^-m 3 m^3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, वही मैंने यहाँ लिखा है e^-6 6 raised to power 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, जगह देखिए a कहाँ पर आया है, फिर यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे, e^-6 दे रखा है 0.0025 ये रहा, और इंटू 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब मतलब 6 × 6 × 6, तो 6 × 6 = 36, 36 × 6 = 216 अपॉन 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल को खोल के लिखा गया है। जब हमने टोटल सॉल्व किया तो आया 0.09। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलीस्ट 3, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी जब भी एटलीस्ट वर्ड आए उसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी x > 3, आप ये लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल नॉर्मल हर जगह एप्लीकेबल है, ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, एटलीस्ट मीन्स p x > 3 a। अब यहाँ पर हमारा क्या है फॉर्मूला एटलीस्ट थ्री का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, px > 3। अब > 3 के लिए थर्ड फॉर्मूला लगेगा, थर्ड का भी बी पार्ट, सो > 3 का मतलब 1 - probability of x < 3। < 3 मतलब 2 से शुरू करेंगे, तो 1 - probability of 2 + probability of 1 + probability of 0। कैन यू सी > को हमने > में कन्वर्ट करना करना जरूरी था, तो कौन सा फॉर्मूला लगा, थर्ड फॉर्मूला, और यहाँ पर > = है तो यहाँ < सो देखिए यही मैंने किया है, यहाँ पर p probability of x > 3 का मतलब हुआ probability greater than equals to 3 मतलब 1 - probability of x < 3, तो < 3 मतलब x = 2, probability of x = 1 + probability of x = 0। 1 को भूलिएगा मत, टोटल वैल्यू 1 में से माइनस करनी है, 1 - e^-6 6 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि m^x होता है, +e^-6 - 6 6^1, यहाँ पे 1 है इसलिए 1 फैक्टोरियल, कौन सा फॉर्मूला लगा रही हूँ फर्स्ट, कैन यू सी यहाँ पर ये 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पर जब आपने वैल्यू लिखी x = 1 तो a की जगह 1 आ गया, यहाँ पर देखिए यहाँ x = 1, उसी तरह से x = 0 आ जाएगा, तो e^-6 6^0 / 0 फैक्टोरियल, सॉल्व करेंगे जैसे पहले किया था, 1 - 2 की वैल्यू लिखेंगे तो 0.0025 × 6² = 36/2 +0.0025 6^1 = 6/1 + 0.0025 6^0 = 1 0 factorial is also 1, तो वैल्यू आ गई टोटल ऐड करके 0.0025 + 0.0025 comes out as 0.0625, 1 में से माइनस करने पर वैल्यू मिली 0.9375, सो ये आंसर आ गया। तो देखा आपने सिंपल 3 स्टेप्स फॉलो करके हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं, सिर्फ ये 3 फॉर्मूले हमें याद करने हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 यूनिट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x = 1 x = 2 x = < 3 and x > 3। अब यहाँ पर e^-4 की वैल्यू दे रखी है, तो कैन यू गैस m क्या हो गया, यस यू आर राइट, m हो गया 4, तो m = np लिखेंगे = 4, एक्चुअली फॉर्मूला लगा है σ = √m, दैट इज σ² = m, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया
4, तो यहाँ पर 4 आ गया, पर इतना सब लिखें ना भी लिखें तो भी m हमें पता है, m इज इक्वल टू 4 होता है। अब यहाँ फॉर्चुनेटली सब कुछ मैथमेटिकली दिया हुआ है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी लगा देंगे। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1 ऐसे ही लिखना है, सिंपल x इक्वल टू 1 का मीनिंग नहीं है, प्रोबेबिलिटी लिखना ज़रूरी है। तो p x इक्वल्स टू 1 इज इक्वल टू e रेस टू पावर माइनस m, m रेस टू पावर 1 फैक्टोरियल। कौन सा फॉर्मूला लगा? फर्स्ट वाला। कैन यू सी e रेस टू पावर माइनस m का जगह e रेस टू पावर माइनस 4 लिखेंगे, वैल्यू लिख देंगे, तो वैल्यू आई e रेस टू पावर माइनस 4 की 0.0183 इनटू 4 अपॉन 1, आंसर आया सॉल्व करके 0.0732। फिर नेक्स्ट इज x इक्वल्स टू 0, इसी तरह से फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? फर्स्ट वाला, e रेस टू पावर माइनस 4, 4 रेस टू पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो दैट कम्स आउट टू बी 0.0183 इनटू 16 अपॉन 2, सो दैट कम्स आउट टू बी 0.1464। उसके आगे आया x लेस देन 3, x लेस देन 3 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेकेंड का सेकेंड पार्ट। x लेस देन 3 है मतलब 2 से शुरू होगा, तो x प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस 1 प्लस 0, सो इसी तरह से किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने पर आंसर आया, ये देखिए ऊपर हमने निकाला हुआ है, 2 पर कितना आया 0.1464, 1 पर कितना आया 0.0732, और 0 पर निकालना आसान है, e रेस टू पावर माइनस 4, 4 रेस टू पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, दैट कम्स आउट टू बी नथिंग एल्स बट 0.0183। टोटल सॉल्व करने पर वैल्यू मिली 0.2379। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है x ग्रेटर देन 3। x ग्रेटर देन 3 का मतलब होता है, x ग्रेटर देन 3 का मतलब है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x ग्रेटर देन 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x लेस देन 3। x लेस देन 3 का मतलब कौन सा फॉर्मूला? x ग्रेटर देन 3 का मतलब थर्ड का सेकेंड पार्ट। यहाँ पर इक्वल टू है, सो देखिए यहाँ पर इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब 1 माइनस x लेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, तो यहाँ पर भी x लेस देन 3 हो जाएगा, सो लेस देन 3 का मतलब क्या हुआ? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पहले ये वैल्यू निकाल चुके हैं, कैन यू सी यहाँ पर हमने निकाली थी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 आगे बढ़ के क्या हो गया? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.2379, दैट कम्स आउट टू बी 0.7621। तो इस तरह से आप देखिए विथ सिंपल 3 स्टेप्स एंड 3 फॉर्मूला आप पॉइसन बॉक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आप ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए और याद रखिए ये 3 फॉर्मूले हैं और ये कुछ टिप्स हैं जो आप अगर अपनाएंगे तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपको सबसे आसान लगेगा। तो अब इस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आप इस मेरे नेक्स्ट वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।